हाँ, सबसे पहले हम सुबह सवेरे उठते हैं। उठते नहीं हैं, बल्कि अटेंडेंस का प्रेशर हमें उठाता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और अगर टाइम मिले तो कभी कभी नाश्ता भी कर ही लेते हैं। ये हमारे कपड़े। फिर छाता खोलते हैं और रवाना हो जाते हैं। क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा है, इसलिए हम छाता यूज़ करते हैं। सीरियस नोट, प्लीज सब लोग गर्मियों में अम्ब्रेला और सनस्क्रीन जरूर यूज किया करो, वरना आप लोगों की शक्ल कुछ ही दिनों में जले हुए आलू की तरह हो जाएगी। वैसे पर्सनली मेरा ये ख्याल था कि ये शाहीन मेडिकल स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए रखा गया है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे टेस्ट में उड़ जाने को सिंबलाइज कर रहा है। समझ तो आप गए होंगे। अब हमारी लॉकडाउन में खा खा के बुरी हालत हुई हुई थी, इसलिए हमारे कॉलेज वालों ने एक फिट सा एक्सरसाइज रूटीन हमारे लिए डिज़ाइन किया, जिसमें हमारा लेक्चर हॉल 3rd फ्लोर पर रख दिया। One eternity later. तो हॉस्टलाइट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हमें लेक्चर्स के दौरान 5 मिनट की भी ब्रेक मिले तो हम फ़ौरन हॉस्टल भाग जाते हैं, और इस तरह हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो क्योंकि मैं सबसे पहले फारिग हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ इस खामोशी में, जो कि बिल्कुल भी खामोशी नहीं होती और अफरा तफरी का आलम होता है छुट्टी के वक्त। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो दिखाकर आपको एक हॉस्टल टूर देती हूँ, और ऐसी गैर भी चीज़ें यहाँ गिरती रहती हैं। और ये अपनी तिजोरी का ताला खोलते हुए, आप लोग सोच रहे होंगे हमारा रूम इतना गंदा क्यों है, हम यहाँ नाचते नहीं हैं, ये नेचुरली गंदा है। फिर आकर, क्योंकि सुबह मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने कुरान पाक की तलावत की, और फिर छोटे मोटे अपने काम कर लिए, क्योंकि हम लोग बिल गेट्स की औलाद नहीं हैं और हमारे आगे पीछे नौकर नहीं फिरते, इसलिए हमें अपनी खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। सुबह सुबह तो कुरान पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो इसके लिए बेहतर है कि आपको लेक्चर्स के दरमियान जो भी फ्री टाइम मिले उसमें आप लोग कुरान पढ़ लें, या अपना जो भी आपका सुबह के काम रह गए हैं वो कर लें। हॉस्टल्स के लिए ये टिप है कि आप 3 रूममेट्स मिलकर फ्रिज खरीद लिया करें। ये ताज़ा ताज़ा सफाई के बाद हमारा वॉशरूम नशकारे मारते हुए। अब हम सो सो कर उठे और मेस की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो मेस में सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है, लेकिन क्योंकि अंकल दोपहर का खाना हमें शाम को देते हैं, इसलिए हम अपना खाना हॉस्टल लाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेस के लिए वो हमारे रोल नंबर्स नोट करते हैं और फिर हमें मेस मिलता है। आज कुदरत हम पर मेहरबान है और हमारे लिए चावल बने हैं। अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ते की सूरत होती है ना, तो वो ये गार्ड अंकल हैं हमारी कुल्फ़ी लाते हुए। कुल्फ़ी खाते हुए ना हमारी रूह की तस्कीन हो रही है। अब तो रात का टाइम हो गया और अब हमने सोना है, तो हम सोते हुए तो अपने आप को नहीं दिखा सकते ना। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्स वीक के बारे में होगी।